ईरान की राजधानी तेहरान में एक विमान हादसे में करीब 170 यात्रियों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी AFP मुताबिक तेहरान में यूक्रेन का एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी 170 यात्रियों की मौत हो गई। दरअसल यूक्रेन का एक विमान बुधवार को तेहरान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 170 यात्री सवार थे और 10 चालक दल के सदस्य थे। खबर के मुताबिक विमान ने इमान खमेनेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटना होने की आशंका है। नागरिक उड्डयन के प्रवक्ता रजा जफर जादे ने बताया कि तेहरान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जांच दल मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की यूक्रेन 737-800 ने बुधवार सुबह उड़ान भरी थी और उसके तुरंत बाद ही वह रुक गई। ईरान के इराक में अमेरिकी बलों बैलिस्टिक मिसाइल दागने के कुछ घंटों बाद यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ईरान ने उसके रिवॉल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी हवाई हमले में मारे जाने के बाद यह कार्रवाई की है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।